एक्चुअल में लास्ट 2 साल से मैंने काफ़ी क्रिकेट खेला है। हमारे पास सिर्फ 3 महीने का सीजन नहीं रहता है, क्योंकि आप रणजी ट्रॉफी के बाद दिलीप ट्रॉफी खेलते हो, देडा ट्रॉफी खेलते हो, ईरानी ट्रॉफी खेलते हो, तो ऑलरेडी वो प्रैक्टिस है कि हम लंबे समय तक क्रिकेट खेल सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एज ए क्रिकेटर अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम सडनली अगर किसी बल्ले प्लेटफॉर्म के लिए सेलेक्ट होते हैं, हमारे अंदर कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मैंने तो रणजी ट्रॉफी में ऐसा परफॉर्म किया, यहाँ के क्या करूँगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उस चीज़ पे काम किया है कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हम बॉलिंग में क्या ऐड कर सकते हैं इस लेवल के लिए, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लेकर मैंने सोचा है। तो मैं यहाँ भी खेलता हूँ तो सिंपल रहता है, और सिंपल चीज़ें ज़्यादा अपने आप के ऊपर एक्स्ट्रा ऐसा प्रेशर नहीं देता हूँ कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है या फिर और भी कोई बड़ी सीरीज है। मैं प्रेजेंट में रहता हूँ, आज के बारे में सोचता हूँ, ये जो मैच है इसके बारे में सोचता हूँ, तो मेरे लिए सिंपल रहती है चीज़ें। इंडिया के लिए खेलना इंडिया में हर बच्चे का ड्रीम होता है। सबसे पहला चीज़ की वो सबसे प्राउड की बात होती है, बट कहीं ना कहीं मैं ये भी देखता हूँ कि हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब एक टाइम पे आप उन बॉलर की जगह पे खेल रहे हो जिन्होंने देश के लिए इतना कंट्रीब्यूट किया है, तो कहीं ना कहीं वो प्राउड के साथ साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी अपने देश के लिए वो चीज़ करना है जो हमारे पीछे लोग करते हुए आए हैं, उसके तौर पर मैं इस चीज़ को देखता हूँ। हमारा जो BCCI का जो डोमेस्टिक फॉर्मेट है वो इतनी अच्छी है कि आप जब यहाँ पहुँचते हो तो ऑलरेडी बहुत सारे क्रिकेट खेल चुके होते हो, तो आपको आइडियाज़ हो जाता है कि आपकी बॉलिंग क्या है, आपको क्या करना है। तो इतनी कन्फ्यूजन मुझे तो नहीं लगता है कि होता है इस जगह पर, और हमारा जो माहौल रहता है इतनी सिंपल रहती है कि मुझे ऐसा कुछ नया नहीं लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आते हैं उसी को और आगे फॉरवर्ड करना है बस। जब मैं यहाँ पर आया था तो जो भी लेजेंड्स हैं जिनको आज के टाइम में क्रिकेट का गॉड ही कह लेते हैं, विराट भाई हैं, रोहित भैया हैं, तो मैंने देखा कि ये लोग इतने कुछ कर दिए हैं क्रिकेट के लिए, फिर भी इनका जो डेडिकेशन है, जो हार्डवर्क है, मतलब अलग ही था। मैं उस चीज़ से ये सीखा कि ये इंसान इतना कुछ करने के बाद भी वो जो हार्डवर्क है, जो प्रैक्टिस करने का डेडिकेशन है, जो क्रिकेट को लेकर वो थिंकिंग है, वो अलग है। हम लोग तो अभी लर्निंग है, हम लोग और ज़्यादा करना चाहिए। ये चीज़ मोटिवेट करता है कहीं ना कहीं हार्डवर्क करने के लिए मुझे। मैं अपने आप को बहुत लकी फील कर रहा हूँ कि भैया के अंडर मुझे इंडिया के लिए खेलने का मौका मिला। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैंने जितनी भी क्रिकेट खेली है, जितनी सिंपल चीज़ों को वो रखते हैं, मैं पहले भी थोड़ी सी मेरे अंदर हेजिटेशन थी कि मैं जब इंडिया के लिए खेलूंगा थोड़ा प्रेशर रहेगा, क्या करना होगा, थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। लेकिन जब मैं ग्राउंड में गया, जब भैया ने मेरे को चीज़ें इतनी सिंपल तरीके से रखी, मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं डोमेस्टिक खेल रहा हूँ या फिर मैं इंटरनेशनल खेल रहा हूँ। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेरे लाइफ में इतना सहज कप्तान मुझे मिला होगा या मिल सकता है। फर्स्ट इनिंग में थोड़ी सी हेल्प थी, और मेरा स्ट्रेंथ है कि मैं राउंड द विकेट ज़्यादा कम्फर्टेबल रहता हूँ जब हेल्प रहती है विकेट में। तो मैंने अभी एक ओवर ही डाला था, वो दूसरा ओवर था, तो मुझे दूसरे ओवर में ही ऐसा लग रहा था कि चांसेस क्रिएट हो रहे हैं, स्विंग भी हो रहा था, तो मैं वही सिंपल बस वही डालने की कोशिश की, उसमें विकेट मिला। ऐसा नहीं था कि मुझे आके अगले ओवर में आउट करना है, मुझे अपने प्लानिंग पे बॉल डालना था बस अच्छे एरियाज में। अभी तक तो सर मैं दूसरा मैच ही खेला इंडिया के लिए, ऐसा सिचुएशन आया नहीं है, हम आसानी से दोनों मैच जीत गए। बट मुझे ऐसा लगता है कि रोहित भैया के अंडर रहने पे ऐसी सिचुएशन भी आया, वो इतनी चीज़ों को सिंपल कर देंगे, हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। 2 चीज़ होता है, या तो आपको खुद हैंडल करना पड़ता है, या फिर कैप्टन अगर वैसा हो तो आपको बहुत आसान हो जाता है वो चीज़ें। मुझे ऐसा लगता है कि इस माहौल में काफ़ी ईजी है ऐसे फास्ट बॉलर उन चीज़ों को हैंडल करना। जब आप यहाँ पर खेल के आते हो तो आपको खुद के बारे में एक्चुअल पता हो जाता है, इस लेवल पे आके आप थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं वो खासकर माइंडसेट पे, उसके बारे में आप ये जो बड़े लोग हैं इनसे सीख सकते हैं। तो वही बात है, कन्फ्यूजन होने की कोई सवाल ही नहीं है। अभी तक देखता, अभी आज तो देखा मैंने, कल भी देखते हैं विकेट कैसा है और ड्राई होता है क्या होता है। विकेट चाहे जैसा भी हो, अगर मैं खेल रहा हूँ तो हमारे हाथ में अच्छे एरियाज में बॉल डालना है, चाहे वो सरफेस जैसी भी हो। अगर विकेट फास्ट बॉलर के फेवर में नहीं भी रहेगा तो मुझे आउट करना ही करना है, तो वो प्लान मुझे करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विकेट इक्वली है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि बहुत हेल्पफुल है या बहुत ही पार्ट है, मुझे अभी तक ऐसा ही लगा। पहला इनिंग में तो काफ़ी मदद था हमारे लिए फास्ट बॉलर के लिए, और फास्ट बॉलर ने आपका फास्ट बॉलर ने भी अच्छा बॉल डाला, सब अच्छे एरियाज में बॉल डाले, हम लोगों ने भी पहली इनिंग में अच्छी बॉल डाली। दूसरी इनिंग में थोड़ी सी विकेट वैसी भी स्लो हो गई थी और मूवमेंट नहीं था विकेट से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल अच्छी बॉलिंग हुई थी वहाँ पे। सर मैं जब छोटा था, मैं यहाँ से, मेरा घर बनारस काफ़ी दूर नहीं है,
तो मैं उस टाइम पे इसी स्टेडियम का नाम पहली बार सुना था लाइफ में, ग्रीन पार्क। और मुझे मुझे ऐसा लगता था ग्रीन पार्क इसलिए नाम है कि पूरा ग्रीन होगा ग्राउंड, क्योंकि मैं कभी देखा नहीं था स्टेडियम कैसा होता है। तो वो चीज मुझे अभी भी याद, मैं जब यहाँ आया मुझे याद आया कि लाइफ में पहला मैं ग्राउंड का नाम सुना था वो ग्रीन पार्क था, और मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था कि ग्राउंड काफी ग्रीन होगा, ऐसा होगा, इसलिए इसका नाम ग्रीन पार्क है। तो काफी अच्छा लग रहा है कि जो बचपन में जिस चीज को मैंने सुना था उस जगह पे आके काफी अच्छा लग रहा है।